होता है। मैदान में क्या ऐसा घटना घटा है, क्या ऐसा आपका हक हुआ जो आप आज यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं? मतलब जब तक मेरा स्वयं का हत्या ना हो जाए तब तक हमको जल में उतरना नहीं है। यह जल सत्याग्रह है, यह दिखाने के लिए। जब हम लोग जल में रहते हैं, 2-3 घंटे से हम लोग लगातार जल में हैं, हमारा पूरा पैर सुन्न हो गया है, ठंड के मारे यहाँ बुजुर्ग लोग कांप रहे हैं, और हमें जब इतना कष्ट हो रहा है 2-3 घंटा जल में रहने से, तो उस बहन को आप सोचिए, उस रूबिका पहाड़ीन बहन को जिसके शरीर से मांस को छील दिया गया और शरीर के 50 टुकड़े कर दिए गए, उसको कितना दर्द हुआ होगा, उस श्रद्धा बहन को कितना दर्द हुआ होगा कि जिससे वो प्रेम करती थी, अपने आप को अपना प्रेमी समझती थी उसको, और वही लव जिहाद में उसको फंसा करके उसके शरीर के 36 टुकड़े करके उसके शरीर को टुकड़ों को अपने फ्रिज में रखता था और प्रतिदिन जंगल में जाकर के फेंक करके आता था। वह बहन अंकिता दुमका में जो उसके प्यार को मना कर देती है, तो उसके घर में घुस करके वह जिहादी मानसिकता वाला आतंकवादी उसको जिंदा जला देता है। बिहार में हमारी एक बहन के 40 टुकड़े मिलते हैं, कहीं 40, कहीं 36, कहीं 50। उन टुकड़ों से आप पूछिए कि क्या होता है कष्ट। हमारा कष्ट कुछ भी नहीं है, हम उन बहनों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। आपके 5 घंटे के जल सत्याग्रह से रूबिका, श्रद्धा और अंकिता को क्या मतलब न्याय मिल पाएगा? समाज के लोग जागरूक तो होंगे, समाज तक विषय तो पहुंचेगा। घर में चूड़िया पहन के बैठ जाएं हम लोग कि मोमबत्ती निकल के अपने अपने नपुंसकता का परिचय देने के लिए निकले? कुछ तो करना पड़ेगा ना। यह सवाल आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए जो स्टेटमेंट देते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं होते रहती है, उत्तर प्रदेश में काहे नहीं होती है? अब क्यों नहीं करेंगे, हम रोड में क्यों नहीं उतरेंगे? हमारा संविधान हमें अधिकार देता है प्रश्न पूछने का, सरकार से प्रश्न पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर उतरे हुए हैं। हम लोग यहाँ पर कोई शौक से नहीं आए हुए हैं। और क्या होता है, बहुत परिवर्तन होता है, हजारों युवा आज आक्रोशित होकर के यहाँ खड़े हैं। क्या चाहते हैं, क्या करें? हम लोग आत्मदाह कर ले, जल समाधि ले ले, तब जाकर के आप लोग कवरेज देने के लिए आइएगा। समाज में इस प्रकार का जो घटना हो रहा है, कहीं 50 टुकड़ा, कहीं 35 टुकड़ा, क्या लगता है कौन दोषी? देखिए, दोषी समाज का हर वो वर्ग है जो हमारी बहनों को गिद्ध दृष्टि से देखता है। समाज का वह सरकारी व्यवस्था है, सरकारी तंत्र है जो हमारी बहनों को सुरक्षा नहीं दे सकती है। समाज का हर वह वर्ग दोषी है जो स्वयं की सुरक्षा के लिए सड़क पर नहीं उतर सकता है। बात बहुत दिन पहले से हो चुकी है, हम हस्ताक्षर अभियान आज नहीं कई दिनों से चला रहे हैं। आज जब हम लोग जल में उतरे हैं तो बहुत सारे लोग हमारा समर्थन करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा। आज हम लोग पहले हस्ताक्षर से शुरू हुआ, आज जल में है, हमें रोड पर उतरने के लिए मजबूर ना करे यह सरकार से मैं आग्रह करता हूं। देखिए, जब तक मौत नहीं आती है तब तक किसी के कांट में जू नहीं रेंगती है। अभी हम लोग मर जाएंगे, कोई बहन की हत्या हो जाएगी, उनके टुकड़े मिल जाएंगे, सभी नेता राजनेता तथा कथित अपने आपको समाज सेवी कहने वाले लोग, अपने आपको समाज का लीडर कहने वाले लोग, उनके घर पे जाएंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे और उनको बोलेंगे हमें बहुत दुख हुआ आपकी बेटी मर गई। एक बात बताइए कि देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ पर बेटी को पढ़ने नहीं, सुनिए, नहीं बेटी को पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ माँ बाप जो अच्छे अच्छे घर से, वो लोग भी बोलते हैं बेटी स्कूल कॉलेज मत जाओ, आज हम पापा घर में नहीं है, कोई छोड़ने नहीं जा सकता, आज मत जाओ स्कूल के लिए पढ़ने के लिए, बेटी आज जॉब में मत जाओ, क्यों? क्योंकि जो जॉब तुम जाओगी तो आज तुम्हारा एक्स्ट्रा ड्यूटी 8 बजे आओगी। आज अब बेटी को ना पढ़ाया जा रहा है ना केवल और केवल बचाया जा रहा है, या बचाने का अभियान शुरू हो गया है, क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि हमारी बेटी जिंदा जाएगी, हो सकता है रात को फोन आए पुलिस का कि 40 टुकड़ों में लाश मिली है, आकर के कलेक्ट की है। उत्तर प्रदेश में होती है क्या? झारखंड का आप एवरेज निकाल के देखिए, प्रत्येक 4 घंटा में एक बलात्कार होता है, प्रत्येक 3.5 घंटा में एक हत्या होती है। झारखंड में 3 साल का रेशियो खाली निकाल करके आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे बलात्कार होते हैं क्या, ऐसी हत्याएं होती है क्या, अपवाद में होती हैं? जानते हैं एको को गलती से छेड़ करके लड़की को भाग रहा था तो उनका पैर में गोली मार दिया, जानते हैं सीने में गोली मारते हैं वहां के पुलिस प्रशासन, वहां पर इस प्रकार की घटनाएं होती है क्या? रूबिका की जो मौत हुई है, जो 50 टुकड़ों में हुई है साहेबगंज के बोरियो में, हमारी बहन रूबिका पहाड़ीन, ये बताइए ना कि क्या लगता है कि उसमें कौन दोषी है, क्यों हो रहा है कि एक ही समाज के लोग आ रहे हैं इस्लाम में? एकदम शुद्ध रूप से यह लव जिहाद का भी षड्यंत्र है, जहां हाथों में मोली पहन करके, माथे में टीका लगा करके, अपने आप को हिंदू बता करके लव जिहाद के मैटर में हमारी सरना समाज के गरीब दलित हमारी बहनों को, हमारी गरीब बहनों को फंसाया जाता है, फिर उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, या तो उनकी हत्या कर दी जाती है, या तो हमारी सरना समाज की बहनों को फंसा करके उनके नाम से करोड़ों को जमीन खरीदे जाते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन करके अरबों रुपए में फ्लैट बेचे जाते हैं और STSC का उपयोग करते हैं। लगातार चलता रहेगा। आज हम लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग रोड पर उतरेंगे, अगर हमारी विषय को
जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर कड़ा कानून ना लाया जाए। भैरव सिंह, समाज सेवी।